सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड बाय स्ट्रेंज अपडेट के 132 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिधर अपन बात करते हैं जो अपडेट निकल कर आती है मूवीज एंड सीरीज की। एंड इस बार भी धमाकेदार अपडेट साथ लगी है जिसको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो को कृपया एंड तक देखें। अच्छा लगे वीडियो देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो भैया, अगर बात करें सबसे पहले खबर की तो निकल कर आ रही है स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 की तरफ से। पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोग को बताया था कि भाई सीजन 5 के ऊपर अपने जिम हॉपर का एक नया लुक सामने निकल कर आया है। एंड इसी के साथ ही मिली बॉबी ब्राउन ने कुछ बिहाइंड सीन लाइक पिक्चर्स को भी शेयर करा था एक वीडियो के साथ। अभी करंट टाइम में भाई इनके मेकर्स काफी ज्यादा लाइक लग रहा है कि तैयार बैठे हैं सीजन 5 को लेकर, एंड वो टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है वो पोस्ट करते रहते हैं। तो रिसेंटली ही विल बायर्स का एक नया लुक सामने निकल कर आया है सीजन 5 को लेकर, एंड बताया जा रहा है कि आप लोग को पास्ट एंड प्रेजेंट का एक नॉस्टैल्जिया मेकर्स सीजन 5 के अंदर प्रेजेंट करने वाले हैं, क्योंकि सीजन 5 इसका आखिरी सीजन है। तो जो भी जर्नी आप लोगों ने पहले सीजन से सीरीज की देख रखी थी सारा रिपीट आप लोगों को सीजन 5 के अंदर मेकर्स जो है वो कैरेक्टर्स के थ्रू आप लोग को प्रेजेंट करेंगे। सो दैट्स व्हाई के मेकर्स ने बोला भी था कि सीजन 5 जो है वो एक रोलर कोस्टर राइड होगी इमोशंस के मामले में। इसी के साथ ही अभी करंटली अगर शूटिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग के पोर्शंस को मेकर्स ने कंप्लीट कर लिया है, बट अभी काफी कुछ है इस सीरीज के ऊपर जो शूट करना बाकी है। तो अराउंड अभी मान के चलो 8 महीने तो लगेंगे इसकी शूटिंग को खत्म करने में। तो आगे जो भी हमको नई अपडेट पता चलती रहेंगी मैं आप लोग को डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगा। सो बात करें सेकंड अपडेट की तो भैया निकल कर आ रही है भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार की आने वाली नई सीरीज जो की आ रही है स्टार वॉर्स की तरफ से, स्टार वॉर्स द एकोलाइट। अब देखो भले ही डिज्नी प्लस के ऊपर आप लोग को लाइक हुलू के शो जैसे कि शोगन हो गया वो हिंदी में देखने को नहीं मिलता है, एंड कुछ और शोज हैं जो आप लोग को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलते हैं, बट मार्वल्स एंड स्टार वॉर्स अभी करंट टाइम में हिंदी में लाइक ये लोग शो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसी के अंदर बताया जा रहा है कि ये सीरीज भी आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी क्योंकि इसकी हिंदी कन्फर्मेशन हो चुकी है। एंड बताया जा रहा है कि 5 जून से इसका प्रीमियर स्टार्ट होगा, एंड आप लोग को हर एपिसोड इंडिया के अंदर वीकली बेसिस पर देखने को मिलेगा जिसको हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज करा जाएगा। सो बात करें अपडेट नंबर 3 की तो निकल कर आ रही हैरी पॉटर के टीवी सीरीज को लेकर। अभी मैंने पिछली आप लोग को अपडेट वीडियो में बताया था कि करंटली सीरीज का क्या सीन चल रहा है। इनफैक्ट वार्नर ब्रॉस डिस्कवरी के जो सीईओ हैं उन्होंने बताया था कि वो लोग कोशिश करेंगे कि सीरीज आप लोग को 2025 से 2026 के बीच में देखने को मिल जाए। एंड अभी करंटली ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि आप लोग को जो सीरीज है 2026 के अंदर देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अभी कुछ रिपोर्ट्स में तो इसका मंथ भी सामने निकल कर आ गया था जहां पे बताया जा रहा है कि आप लोग को सितंबर 2026 के अंदर इसका जो प्रीमियर है वो मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा, एंड इंडिया के अंदर सीरीज आप लोग को भाई जियो सिनेमा के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी। तो इस शो के लिए मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ, एंड इसके ऊपर मैं अपडेट कलेक्ट कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोग को एक डिटेल में वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। हैरी पॉटर की टीवी सीरीज का जो शूटिंग का वर्क है वो भी बताया जा रहा है कि इस साल के लास्ट क्वार्टर से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर है इस सीरीज के फैंस लोग के लिए, बिकॉज जितनी जल्दी शूटिंग स्टार्ट होगी उतनी ही जल्दी आप लोग को जो सीरीज है वो देखने को मिल जाएगी। सो बात करें अपडेट नंबर 4 की तो निकल कर आ रही है हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज के सीजन 2 को लेकर। अभी करंट टाइम में भाई अपडेट्स ऐसी आ रही है कि जो शो है वो आप लोग को 16 जून को देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले सिर्फ मंथ ही बताया गया था कि जून के अंदर ये सीरीज आ रही है। तो अभी करंटली एक नंबर भी मिल चुका है कि 16 जून को इसका प्रीमियर आप लोग को देखने को मिल सकता है। इसका जो प्रीमियर है वो अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनली के साथ ही आप लोग को इंडिया के अंदर भी जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एंड बताया तो भी यही जा रहा है कि इसका जो हिंदी वर्जन है वो भी आप लोग को वीकली बेसिस पर देखने को मिलता रहेगा। तो आप लोग को ऐसा वेट करना नहीं पड़ेगा कि पहले पूरा प्रीमियर खत्म हो जाए देन आप लोग को इसका हिंदी वर्जन देखने को मिले। सीजन 2 इस बार काफी और डिफरेंट प्लस ग्रैंड होने वाला है सीजन 1 के कंपैरिजन में, बिकॉज यहाँ पे आप लोग को सीजन 1 के अंदर ड्रामा एंड एक सेटअप देखने को मिला था स्टोरी का, तो सीजन 2 के अंदर आप लोग को भाई बहुत तगड़ी बैटल एंड आप लोग को एक अलग ही क्लैश देखने को मिलने वाला है। जो दो दोस्त थे पहले अब दुश्मन बन चुके हैं। सो बात करें अपडेट नंबर 5 की तो भैया निकल कर आ रही है बर्लिन सीरीज, एंड जो हमने लाइक प्रोफेसर भैया हैं उनके कैरेक्टर को लेकर आप सभी को बताया कि भाई बर्लिन की सीरीज आ गई। एंड पहले रूमर्स थे कि इसके अंदर लाइक प्रोफेसर कैमियो हो सकता है, लेकिन हमको प्रोफेसर का कैमियो देखने को नहीं मिला। एंड रिसेंटली यही क्वेश्चन पूछा गया एल्वारो मोर्ते भैया से, जो कि प्रोफेसर का रोल प्ले करे हुए हैं मनी हाइस्ट सीरीज के अंदर। तो वहां पे उन्होंने ये चीज क्लियर करी कि देखो भैया मैं अपने प्रोफेसर के कैरेक्टर से काफी ज्यादा प्यार करता हूँ, वो कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, तो उसको मैं किसी कैमियो के लिए लाइक वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, अगर मेरे को इन फ्यूचर कोई अच्छा चांस मिलता जहाँ पे मेरे को फिर से लीड करने का मौका मिले, बिकॉज आप लोग को पता है कि प्रोफेसर एक लीडर ही था, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं वापस से उस कैरेक्टर के लिए लाइक लौटूं, लेकिन जब तक मेरे को कोई अच्छा लाइक स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं इस कैरेक्टर को लेकर वापस नहीं आने वाला हूँ। तो जो अभी तक लाइक रूमर आ रहे थे कि आप लोग को बर्लिन के सीजन 2 के अंदर प्रोफेसर का कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, तो उस सीन तभी लाइक पॉसिबल हो पाएगा जब प्रोफेसर का एक मेजर रोल हो, जिसके चांसेस अभी तो कम नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखो भाई प्रोफेसर के ऊपर एक स्पिन ऑफ सीरीज की भी बात हो रही थी, जिसको लेकर इनके मेकर्स ने भी हिंट करा था कि भाई जितने भी मनी हाइस्ट के अंदर आप लोगों को कैरेक्टर देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग प्रोफेसर, सबके ऊपर एटलीस्ट एक सीजन की तो सीरीज बनाई जा सकती है। तो यस, इन फ्यूचर प्रोफेसर के ऊपर एक सेपरेट सीरीज आने के चांसेस हैं। मे बी आप लोग को शायद मनी हाइस्ट का एक स्पिन ऑफ करके देखने को मिले, जहाँ पे भाई प्रोफेसर के साथ ही जितनी भी लाइक मनी हाइस्ट की टीम थी उनमें से कुछ मेंबर फिर से
जल्दी यूनाइट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट अभी उस प्लान को लाइक एक्सिक्यूट होने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरीके से एल्वारो मोर्तो भैया ने लाइक अपने प्रोफेसर के कैरेक्टर के बारे में बोला है, तो लग तो ऐसा रहा है कि हाँ चांसेस हैं कि आप लोग को इन फ्यूचर डेफिनेटली प्रोफेसर का जो कमबैक है वो देखने को मिल सकता है। एंड आगे जैसे मेरे को इसके ऊपर और अपडेट पता चलेगी मैं आप लोग को डेफिनेटली शेयर करूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोग प्रोफेसर के ऊपर एक स्टैंड अलोन स्पिन ऑफ सीरीज देखना चाहते हो। तब तक के लिए अभी करंटली इस वीडियो में सकता है, अगर वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।